नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 5 एप्स एपिसोड 9 में। तो इस हफ्ते की जो वॉलपेपर एप्लीकेशन है वो है मटेरियल आइसलैंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक वॉलपेपर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं टाइमिंग्स के हिसाब से, ताकि अगर दिन हो तो आपको मॉर्निंग का वॉलपेपर मिले और नाइट हो तो नाइट का वॉलपेपर मिले। और यहाँ पे आपको स्टैक वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं, मतलब कि जो एक फिक्स्ड वॉलपेपर होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियलिस्टिक आइसलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इवन लैंडस्केप्स भी। तो ये काफ़ी यूनिक एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी नई एप्लीकेशन है। तो बस सेट वॉलपेपर कर दीजिए किसी वॉलपेपर पे भी चूज़ करने के बाद, और आपका वॉलपेपर सेट हो गया। तो आप इसे वॉचेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एक इमोजी एप्लीकेशन। तो अगर आप सुसाइड स्क्वाड के एक फ़ैन हैं तो ये एप्लीकेशन आपको गारंटीड पसंद आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सुसाइड स्क्वाड के हर एक कैरेक्टर का आपको इमोजी मिल जाएगा, वो भी हर एक एक्सप्रेशन में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप किसी भी इमोजी पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस इमोजी को आप कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, तो शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे आपको इमोजी फेवरेट करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो इमोजी आप फेवरेट करेंगे वो इस सेक्शन में आएगा। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप उसे चेक कर देंगे तो आपको स्क्रीन पे एक सुसाइड स्क्वाड का लोगो नज़र आएगा। तो वो एक तरीके का ओवरले है। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, व्हाट्सएप वगैरह, तो आपको यहाँ से इमोजी शेयर करने की जगह जब आप इस पर टैप करेंगे तो आपको एक कीबोर्ड की तरह आ जाएगा जिसमें आपकी सारी इमोजीज होंगी। तो ये काफ़ी निफ्टी और काफ़ी हैंडी फीचर है। और जो थर्ड एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं एक पाई कंट्रोल सा आ गया है, लेकिन जो उसका लेआउट है वो काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये काफ़ी यूनिक है और बिल्कुल भी लैग नहीं करता बाकी की पाई कंट्रोल्स की तरह। तो इसका नाम है सर्कल साइड बार। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कल साइड बार, तो यहाँ पे हमको इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं। सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसे सेट करना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे विड्थ और इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसा मेरा ट्रांसपेरेंट था, आप चाहे तो वहाँ कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। और जो विड्थ है कि कौन सा कितना एरिया आपको चाहिए उन एप्लीकेशंस के लिए, उस पाई कंट्रोल्स के लिए, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन जो आइकॉन पैक है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आइकन्स हैं वो किस आइकॉन पैक के हिसाब से आएंगे वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी आइकॉन पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मनपसंद का। तो काफ़ी अच्छा फीचर है और बिल्कुल लैग नहीं करता। जैसे ही आप राइट तरफ से स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ जो साइड बार है वो काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाता है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे राइट की तरफ से कंफर्टेबल नहीं है और आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप जो साइड बार है उसे लेफ्ट की तरफ से ओपन कर सकते हैं। तो ये थी थर्ड एप्लीकेशन। जो है फोर्थ एप्लीकेशन वो है फ्लाई ट्यूब। तो हो सकता है आप लोगों को पता ही हो इस एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे भी आप कोई वीडियो ओपन करेंगे फ्लाई ट्यूब में, यूट्यूब की वीडियो कोई भी अगर आप इसमें प्ले करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं एक भारी स्क्रीन पर चल जाता है जैसे मल्टीटास्किंग की तरह। तो आप अपनी यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं और भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं और उसके साथ वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और सारे ही फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एक ओवरले वीडियो में। तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। तो जो पांचवी एप्लीकेशन है और जो लास्ट एप्लीकेशन है इस हफ्ते की, वो है एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप जो है मोमेंट कैम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और काफ़ी यूनिक है। तो आप इसमें चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं या साइनअप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर क्रिएट एनिमेशन में जाना है, और क्रिएट इसमें जाके आपको अपने फेस का एक पूरा वो लेना है फ़ोटो। उसके बाद ही आपके फेस को एनालाइज कर लेगा और उस हिसाब से आपको एक डिज़ाइन दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इस टाइम मेरा एक पोर्ट्रेट बना, पोर्ट्रेट नहीं, बेसिकली एक कार्टून इफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं चेंज कर सकता हूँ अपने फेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे मैं यहाँ पे हेयर पे क्लिक कर लेता हूँ तो हेयर में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ हेयर चेंज कर लिए हैं, तो आप जो मर्ज़ी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो मैंने अपना फ़ोटो चूज़ किया था वो भी दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं। और भी काफ़ी डिज़ाइंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी यूनिक हैं। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को ये भेजेंगे तो वो ज़रूर पूछेगा कि आपने कैसे बनाया, फ़ोटोशॉप है या क्या है, ये बनाया कैसे, तो वो ज़रूर आपसे पूछेगा। तो सेव करने के लिए बस आपको ऊपर की तरफ सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाएगा। और गैलरी में सेव होने के बाद आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस हफ्ते की थी ये टॉप 5 एप्लीकेशंस। आशा रखता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और एपिसोड्स के लिए आप मुझे कोई एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।